सफेद सोना यानी कपास उत्पादन के मामले में बुरहानपुर जिला कभी प्रदेश में नंबर वन हुआ करता था। एक समय था जब बुरहानपुर को सफेद सोने की मंडी कहा जाता था। 3.5 लाख क्विंटल तक कपास खरीदी हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ ही इसकी चमक फीकी पड़ गई। दरअसल सरकार की नीतियों के चलते कपास का उत्पादन घटने के साथ महाराष्ट्र से आने वाली कपास भी बंद हो गई। कपास का उत्पादन कम होने से अब CCI भी खरीदी केंद्र नहीं खोल रही है। दरअसल जिले में वर्ष 2011 तक 3,50,000 क्विंटल कपास की खरीदी होती थी। इसके बाद लगातार ही कपास खरीदी का आंकड़ा हर साल 20 से 30 हजार क्विंटल कम होता चला गया। 2020 में 1,72,000 की कुल खरीदी हुई। इस साल अब तक जिनिंग फैक्ट्रियां तक तैयार नहीं हुई हैं, जबकि इस अवधि में 1,00,000 क्विंटल खरीदी हो जाया करती थी। शहर में कपास की जिनिंग फैक्ट्री भी सबसे अधिक हुआ करती थी और वहां 2011 तक 11 जिनिंग फैक्ट्रियां हुआ करती थी, तो अब केवल 2 ही बच गई हैं, लेकिन कोई भी आधुनिक मशीनों वाली मॉडल जिन नहीं है। कपास मंडी प्रभारी का कहना है कि बुरहानपुर की मंडी कपास खरीदी में प्रदेश में अग्रणी हुआ करती थी। 2011 की तुलना में उत्पादन बहुत घट चुका है। महाराष्ट्र में टैक्स 50 पैसे है, जबकि प्रदेश में 1.70 रुपए टैक्स है। दीपावली तक उम्मीद की जा रही है कि जिनिंग फैक्ट्रियों में आवक आ सकती है। वहीं वर्ष 2007 तक महाराष्ट्र में कपास नीति काफी जटिल थी। यही कारण था कि सीमावर्ती जलगांव, अमरावती, बुलढाणा सहित आसपास गांव के किसान अपनी कपास बुरहानपुर मंडी में बेचने आते थे, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र सरकार ने कपास नीति में बदलाव किया, महाराष्ट्र के किसानों ने महाराष्ट्र की मंडियों में ही बेचना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में मात्र 50 पैसे टैक्स लग रहा है, जबकि MP में 1.70 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है, जिससे शहर में कपास का बाजार टूट गया। सरकार द्वारा कपास नीति में सरलता आए तो उम्मीद की जा सकती है कि एक बार फिर से कपास की आवक बढ़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ 2 सालों से CCI ऑटोमेटिक मशीनों वाले जिनिंग फैक्ट्रियों से ही अनुबंध कर रही है, जबकि शहर में किसी भी जिनिंग फैक्ट्री में आधुनिक मशीनें नहीं हैं। कई जिनिंग फैक्ट्रियां बंद होने से कॉलोनी में तब्दील हो चुकी हैं। समय के साथ ऑटोमेटिक जिनिंग मशीन नहीं होने से भी खरीदी पर असर दिखाई दे रहा है। कपास का उत्पादन कम होने से CCI के समर्थन मूल्य से ज्यादा रेट बाजार में मिल रहे हैं, इसीलिए बुरहानपुर का कपास अब खंडवा खरगोन मंडी सहित महाराष्ट्र बिकने के लिए जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।